खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाने की है, जहां पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक ने सोनवा थाने का औचक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने सोनवा थाने का औचक निरीक्षण करने के साथ साथ थाना कार्यालय परिसर बैरक मेस के साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। थाना कार्यालय के रजिस्टरों को चेक किया तथा उनके रखरखाव व उनमें पाई गई कमियों की सुधार व थाने पर चल रहे निर्माणाधीन कार्यों के संबंध में प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला कर्मचारियों से उनकी समस्याओं आदि के बारे में जानकारी ली तथा उनके कर्तव्यों के प्रति सजग रहने हेतु बताया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक एसके सिंह सहित अन्य कर्मचारी आदि मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में उन्होंने सोनवा थाने का औचक निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाने की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार महोदया ने सोनवा थाने का औचक निरीक्षण कर मिली हुई कमियों पर सुधार के कड़े दिशा निर्देश दिए। वहीं पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी त्यौहार व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत थाना प्रभारियों के साथ की गोष्ठी। पुलिस कार्यालय के सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्या द्वारा आगामी त्यौहार व कानून व्यवस्था के संबंध में पुलिस अधीक्षक के सभागार कक्ष में जनपद के सभी थाना प्रभारियों की गोष्ठी का आयोजन किया गया। जन शिकायत एवं IGRS प्रार्थना पत्रों की गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण व आम जनमानस के साथ सदव्यवहार करने हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही लंबित विवेचनाओं वांछित अभियुक्तों इनामिया जिला बदर NBW के विरुद्ध अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने तथा साथी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के भी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं भिंडगा पुलिस ने दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। भिंडगा पुलिस ने भिंडगी तिराहे के पास से बड़कऊ उर्फ राजेश यादव पुत्र खुनखुन प्रसाद निवासी मक्कन परवा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार किया गया शख्स नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त था, जिसे पुलिस तलाश कर रही थी। भिंडगा पुलिस ने उसे भिंडगी तिराहे के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। मुखबिर की सूचना पर उसे भिंडगी तिराहे के पास से भिंडगा पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं महिला शक्ति अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर महिला बीट अधिकारियों ने महिलाओं व युवतियों को सेल्फ डिफेंस व हेल्पलाइन नंबर BN पावर लाइन 1090, महिला हेल्प लाइन नंबर 181, चिकित्सीय सहायता हेतु 108, पुलिस कंट्रोल नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 आदि के बारे में जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया गया किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो या कोई अनजान व्यक्ति परेशान करता है तो ऐसे में वो हेल्पलाइन नंबरों पर फ़ोन कर सहायता ले सकती हैं। फ़ोन करने वाली महिलाओं और बच्चियों का पता नाम गोपनीय रखा जाता है। श्रावस्ती जनपद के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर लोगों को जागरूक किया गया।